विषय में मैं क्या बोलूं। मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम 8-10 ईयर्स से था, थोड़ा थोड़ा सर में दर्द रहता था, वो उनको थोड़ा गुस्सा भी आता था, तो मैं भी काफ़ी परेशान रहती थी इस विषय से। हम विशाखापट्टनम गए थे अकेले 2-3 दिन के लिए, उनको तब से 8-10 डेज से कंटिन्यू हेडेक रहता था। वो दवा के विषय में थोड़े से मानते नहीं थे मेरी बात, लेकिन फिर न्यूरो फिजिशियन को हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि MRI तो आपको करवानी पड़ेगी और शायद ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा। यह सुन के मैं बहुत टेंस हो गई थी। 2-3 दिन तक तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, ऐसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, मुझे ऐसे लग रहा था। लेकिन जब मैंने डॉक्टर पुरोहित से मिला तो वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस में थे कि बोले आपको कोई टेंशन ही नहीं लेने की बात है। फिर भी मैं बहुत टेंशन थी। ऑपरेशन वाले दिन 25-30 लोग मेरे साथ थे, सब लोग एकदम नॉर्मल।